गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या था, अन्य जन आंदोलन, और अब हम करेंगे आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। तो चलिए शुरू करते हैं आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। पहला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा स्थापित किया था, तो कहाँ स्थापित किया था, कलकत्ता में। कलकत्ता में प्रथम मदरसा स्थापित किया गया। फिर है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे, कौन थे, सर विलियम जोन्स। कौन थे, सर विलियम जोन्स। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी, किसने की थी, जोनाथन डंकन ने। किसने की थी, जोनाथन डंकन ने। आगे देखते हैं, दादा भाई नौरोजी, माइकल मधुसूदन दत्त, राजा राम मोहन रॉय तथा विवेकानंद में से वह जिन्हें पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई, तो वो कौन थे, माइकल मधुसूदन दत्त। सर्वप्रथम भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया था, किसने किया था, चार्ल्स, किसने किया था, चार्ल्स विल्किंस ने। किसने, चार्ल्स विल्किंस ने अंग्रेजी अनुवाद किया था। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, कालिदास की सुप्रसिद्ध रचना शकुंतला पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था, मतलब शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, तो सर विलियम जोन्स ने अंग्रेजी में अनुवाद किया था। किसका, शकुंतला का। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था, तो क्या मुख्य उद्देश्य था, छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता, क्या, छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। नेक्स्ट आगे देखते, ब्रिटिश सरकार के जिस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1,00,000 रुपये दिए थे, तो वो कौन सा अधिनियम है, तो चार्टर अधिनियम 1813 के अधिनियम में सर्वप्रथम शिक्षा के लिए भारत में 1,00,000 रुपये दिए गए थे। नेक्स्ट है, चार्ल्स वुड का आदेश पत्र संबंधित था, किससे संबंधित था, तो शिक्षा से संबंधित था। आगे बढ़ते हैं, हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दत मार्तंड 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ, कहाँ से प्रकाशित हुआ था, तो ये कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था, उद्दत मार्तंड, कब, 30 मई 1800। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विशेष जोर दिया गया, किस पर विशेष जोर दिया गया था, तो प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर विशेष जोर दिया गया था। किस कमीशन में, हंटर कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी उसमें दिया गया जोर कि प्राथमिक शिक्षा में सुधार हो और इसके विकास पर ध्यान दिया जाए। नेक्स्ट है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई, कब की गई, 15 अगस्त 1906 को की गई, कब की गई, 15 अगस्त 1906 को की गई। सैडलर आयोग संबंधित था, किससे संबंधित था, ये भी शिक्षा से संबंधित है, किससे संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है। अब हम आगे बढ़ते हैं, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग के नियुक्त किया, कब नियुक्त किया था, सैडलर विश्वविद्यालय आयोग 1917 में नियुक्त किया गया, ठीक है, क्यों नियुक्त किया था, ताकि शिक्षा में विकास हो सके। लॉर्ड मैकाले संबंधित है, किससे संबंधित है, अंग्रेजी शिक्षा से लॉर्ड मैकाले संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत के औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित है, ये भी शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है, कौन सा सिद्धांत है ये, अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है, भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी का प्रतिपादक थे, कौन थे, लॉर्ड मैकाले, किस थ्योरी के प्रतिपादक थे ये, तो फिल्ट्रेशन थ्योरी। आगे बढ़ते हैं, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी, कब पड़ी, 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से पड़ी, कब पड़ी थी, 1835 में पड़ी थी आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नियुक्ति, तो
तो ये था हमारा आज का वीडियो। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।